दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रंजन अभिषेक और आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। बसपा सांसद दानिश अली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दानिश अली बीते दिन भी सुर्खियों में रहे थे जब भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी ने लोकसभा में उनके खिलाफ कई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद सियासत गर्मा गई थी और काफी दिनों तक वो चर्चा में बने रहे। अब फिर एक बार जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो दानिश अली चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने दानिश अली पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और जारी नोटिस में उन्होंने कहा कि इन्होंने पार्टी के विरोध नीति पर काम किया, पार्टी के विरोध में इन्होंने कई फैसले लिए और इसीलिए पार्टी आला कमान ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। अब दानिश अली की इस पर प्रतिक्रिया आई है। दानिश अली ने मायावती द्वारा पार्टी से बाहर निकाले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तो आइए सुनते हैं दानिश अली ने इसके प्रतिक्रिया में क्या कहा है। दानिश अली ने मायावती के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैं महन मायावती जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बसपा का टिकट देकर लोकसभा का सदस्य बनने में मदद की। बहन जी ने मुझे बसपा संसदीय दल का नेता भी बनाया, मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला। आज उनका यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पूरी मेहनत और लगन से बसपा को मजबूत करने का प्रयास किया है और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा क्षेत्र की जनता है। मैंने बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जरूर किया और करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई और उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जनसेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने ये जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। मैं अमरोहा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। आपको बता दें कि दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।